गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये ब्लॉग 7-8 दिन पहले का ब्लॉग है, तो इस समय पर हल्का हल्का ठंडा था, तो उस टाइम का ये ब्लॉग है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिट्टी का पॉट में मैंने अरहर का दाल को बॉयल कर लिया है। अब उसमें डालूंगी कटे हुए पालक, कटा हुआ टमाटो, कद्दूकस किया हुआ अदरक, कद्दूकस किया हुआ लहसुन, कटे हुए हरी मिर्च, इन सारी चीज़ों को डालकर 5 मिनट और उसको बॉयल कर लेंगे। तरह का दाल काफ़ी हेल्दी होता है खाने के लिए। और यहाँ पर दाल अच्छे से बॉईल हो चुका है, अब उसका तड़का लगाने की बारी है। पालक का दाल को मैं हमेशा देसी घी में तड़का लगाती हूँ, बिल्कुल भी इसमें ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा चम्मच देसी घी ले लिया है और कुछ सूखी मिर्च, एक चम्मच जीरा, इसका तड़का लगा देंगे और उसमें डाल देंगे कुछ कटे हुए धनिया का पत्ता। और साइड में बना रही हूँ आज लंच में मैं एक फ्राई का सब्जी। यहाँ पर मैंने आलू और कच्चा केला और सीम को जीरा और मिर्च का तड़का लगा के इसको भी फ्राई कर लूँगी। आज लंच में बन रहा है पूरा सिंपल सा लंच रेसिपी, पूरा वेज सिंपल सा लंच रेसिपी। और थोड़ा सा बड़ी भी फ्राई कर लूँगी साइड में। राइस भी थोड़ा खा के जा, रोटी फिर बहुत बाबा के लिए बनाया, सिमन के लिए। क्या हाय गुड मॉर्निंग, मु बढ़िया ना खाऊ ना ड्रेस्टर। हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी 9 बज गया है और मैं नहा के उनके लिए पूरा लंच बना दी हूँ। और सिमोन और साइमन के लिए रोटी बनाया है, वो लोग पालक के दाल के साथ खाएंगे घी वाला रोटी। साइमन ले रहा है अपना ऑनलाइन क्लास और सिमोन भी नहा के रेडी होके फ्रेश हो गई है, अब मैं अभी उसको खिलाऊंगी। तो ये अभी बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, उसके बाद मैं पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, क्योंकि इतना जल्दी नहा के खाना बनाना पड़ता है, मैं पूजा कर नहीं पाती हूँ। ये जब खाना खा के चले जाते हैं उसके बाद मैं पूजा करती हूँ। तो अभी मैं दिखाती हूँ सिमोन और साइमन क्या कर रहे हैं। पालक के दाल के साथ उनको रोटी है? थोड़ा ज़्यादा मिर्ची का पाउडर डल गया, उनको रोटी बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो और एक रोटी लेंगे। और एक रोटी लिया उन्होंने, और एक रोटी लिया उन्होंने, उनको दाल के साथ रोटी बहुत अच्छा लग रहा है। ये पालक वाला दाल के साथ रोटी ही बहुत अच्छा लगता है, राइस से ज़्यादा इसके साथ रोटी ही अच्छा लगता है। अब मैं दिखा रही हूँ आपको साइमन क्या कर रहा है, कहाँ पर है। रुक जाओ यार, अभी वीडियो मत कर, थोड़ा सा रुक जाओ। क्यों यार, सिमोन ड्रेस व्रेस पहन के फिर कंबल के अंदर फिर उसको लेटा दिया, ठंड लग रहा है ना, तो थोड़ी टाइम बाद उसको धूप में लूंगी, जब वहाँ थोड़ा बालकनी के साइड में जो धूप होता है वहाँ। साइमन बेबी, ओ साइमन बेबी, यहाँ पर ऑनलाइन क्लास ले रहा है साइमन बेबी। अच्छा, सुना ही नहीं दे रहा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तुम अपना क्लास लो। ये मेरा फूल, एक तो जो भी 2-4 फूल है उसमें मैं बार बार आप लोग को दिखाती हूँ, आप लोग बोर तो नहीं होते होंगे ना। अच्छा लगता है मेरा बालकनी में, जब भी आती हूँ तो
सोचती हूँ थोड़ा सा आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ, तो इस तरह का बालकनी है मेरा। ये देखिए पूरा, ये एक साइड का है और एक साइड का ये है। मुझे अच्छा लगता है बालकनी में, और धूप है, फूल है, इतना अच्छा लगता है मत पूछिए। बॉडी भी सुखाया है, ये उठ गया है जो पिछले बार बनाया था, इस तरह से आधा आधा किलो, आधा आधा किलो कर करके मैं 2 किलो का बॉडी बना चुकी हूँ। अब और 1 किलो का बनाना है इस बार, और ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। पिछले बार 4 किलो का बनाई थी, 4 किलो का बनाई थी, 1 किलो ख़राब हो गया, तो लॉकडाउन भी रह गया, किसी को दे भी नहीं पाई, तो इस बार 3 किलो ही बनाऊँगी। ये जानने से पहले उसके पापा सिमोन को पॉपी कर रहे हैं और साइमन उनके ऊपर चढ़ा है। रोज इस तरह का होता है इनका पॉपी। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। एक मिनट, एक्शन, रिटेक रिटेक। मेरा अंगुली बीच में आ गया। अब टाइम 12:30 बजे हो गया है और यहाँ पर मैं बालकनी में खड़ी होकर खा रही हूँ बेर, और साथ में यहाँ पर रोड पर काम चल रहा है वो भी देख रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा मीठा बेर है। अब विंटर में तो बेर बहुत अच्छा अच्छा मिल जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हेलो, मस्त है उली। बहुत टेस्टी है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और बहुत जोर से हवा चल रहा है बालकनी में। मैं कितना बेर खाई हूँ आपको दिखा रही हूँ। मैं इसका छिलका नहीं खाती हूँ, मैंने इतना खाया है 50 के आसपास, पर ये साइमन का है। शाम का समय है और मैं किचन में आ गई हूँ स्नैक्स बनाने के लिए, और स्नैक्स में मैं बना रही हूँ यहाँ पर पॉपकॉर्न। और पॉपकॉर्न इससे पहले मैं चूड़ा फ्राई कर चुकी हूँ, मूंगफली को फ्राई करके फिर चूड़ा के साथ मिक्स करके वो बना लिया था, और अब बन रहा है पॉपकॉर्न। साइमन खेल के आ गया है, उसके दोस्त भी आ गए हैं, तो साइमन के साथ वो लोग भी एंजॉय करेंगे। hey, इधर क्या खेल हो रहा है? कौन सा फैशन शो? ये क्या है, बेड के ऊपर क्या बैग रखे हो? नहीं नहीं अभी मत पहनो, रख दो, चलो। ये तो स्केटिंग के और साइकिलिंग के लिए पहना जाता है। आओ, तुम लोग के नाश्ता रेडी हो गया है अभी। यस, कम ऑन। हमारे गार्डन से आया है, ये है प्याज की कलियां और धनिया का पत्ता, हमारा प्लांट में जो गार्डन है वहां से आया है, और ये पालक का पत्ता। कैमरामैन के लिए है जो बैक साइड में है।
सॉरी सॉरी वो साइमन बाबा का है। अरे उसका मूंगफली नहीं खाता है इस वजह से। एंड दिस इज फॉर यू कैमरामैन के लिए, दिस इज फॉर विभा, दिस इज फॉर प्रिंस एंड दिस इज फॉर सिमोन। मैं नहीं खाऊंगी, खिलाती पहले कौन सा स्कूल में थी तुम? अभी क्लास वन से तुम मॉडर्न पब्लिक में गई थी है ना? किधर? इधर छोटा वाला में। और प्रिंस तुम्हारा कौन सा क्लास है? अभी तुम भी टूम्बे जाने वाली हो, जाने वाले कौन बड़ा है तुमको कैसे पता? दोनों तो क्लास वन में हो। मार्च में है, मैं तो जून में हूँ। तुम्हारा जून में है बर्थडे? मशरूमैन पनीर फेवरेट। कौन सा रेसिपी यार वो तो पहले बोलो। मामा का मैं बोल दूंगा, मामा को मुझे पता है। क्या पकाओ? बड़ी हां, बैंगन बैंगन थोड़ा अच्छा, टमाटर थोड़ा, आलू थोड़ा सही तो सुखुआ। सुखुआ कब खाती हूँ मैं? वो तो दो साल में एक बार इस बार मिल गया। आपको पसंद है? पसंद है, बट दिस इज नॉट माय फेवरेट फूड। फिश इज माय फेवरेट, फिश एंड पकोड़ा। प्रिंस व्हाट इज योर? सबसे फेवरेट कौन? पनीर, चिकन, मटन। इतना सारा इतना सारा फेवरेट तो और भी बहुत है। और भी बहुत है। अच्छा, और सिमोन का क्या फेवरेट है? सिमोन को तो किसी ने पूछा ही नहीं, सिमोन का फेवरेट क्या है? सिमोन वैसे सिमोन को पॉपकॉर्न बहुत पसंद है ना? है ना माँ? हाँ, मामा को भी पॉपकॉर्न भी बहुत पसंद है। अरे यार मुझसे तो किसने पूछा ही नहीं। अच्छा तो तुम तो मामा का बोलने में वो हो रहे हो, तुम्हारा क्या है बोलो? दही पकाड़ो, माटी हांडी रो माछो बेसरो। अच्छा, माटी हांडी चिकन। अच्छा, माटी हांडी मटन। अच्छा, तापरे मोर पनीर, मशरूम छोटा है। अच्छा।